हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ए के एस वर्ल्ड न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आज आप लोग को बताना बिहार के 28,000 विद्यार्थियों को मिलेगी केंद्रीय कोटे की छात्रवृत्ति। ये नेशनल लेवल पे है फ्रेंड्स, ये राज्य का नहीं है, ये पूरे भारत में इसके लिए हर एक राज्य से स्टूडेंट को चुना जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोग को ये बता दे रहा हूँ कि पहले ही मैंने आप लोग को स्कॉलरशिप से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो बनाकर प्रोवाइड कराया था, जिसमें आप लोग बताते कि आप अपना लिस्ट कैसे देख सकते हैं कि आपका लिस्ट में नाम आया है कि नहीं आया। उसी के रिगार्डिंग आज के पेपर के माध्यम से मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ, तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए होंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो हिट कर लीजिएगा, ऐसे कोई भी वीडियो में डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक मिलता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो के माध्यम से पहले भी आप लोग बताया, यहाँ पे जिन लोगों का संशय होगा उन लोगों का दूर हो जाएगा। बिहार बोर्ड इंटर का बम्पर रिजल्ट इस बार सैकड़ों विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिलवाएगा। जिन छात्रों का इंटर में 75% और उससे अधिक अंक आए हैं उन्हें यह छात्रवृत्ति मिलेगी, यहाँ पे साफ तौर पे दिया गया है। और जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। बिहार के 28,407 विद्यार्थियों की सूची मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेज दी गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली केंद्रीय कोटे सेंट्रल सेक्टर की इस छात्रवृत्ति में शामिल विद्यार्थियों को स्नातक की पढ़ाई के लिए 10,000 की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है, वहीं स्नातकोत्तर के लिए 20,000 छात्रवृत्ति जाती है। सुबह की बात करें तो इस छात्रवृत्ति में सबसे ज़्यादा एएन कॉलेज के विद्यार्थी शामिल है। एएन कॉलेज जो कि पटना में है, एएन कॉलेज के 191 विद्यार्थी चयनित हुए। इसके बाद कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थी हैं। इस सूची में बिहार के 200 से अधिक कॉलेजों और 300 से लगभग स्कूल शामिल है, यहाँ पे देख सकते हैं। प्लस टू के बाद कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को दी जाती छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति में सबसे ज़्यादा पटना के एएन कॉलेज के विद्यार्थी यहाँ पे शामिल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जिन लोगों का भी लिस्ट में नाम आया है, आप लोगों को सभी को यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाएगा। उसके बाद ये पूरे और देश भर में पूरे जो कि अन्य राज्यों में मिलाकर 82,000 छात्रों को इसके द्वारा लाभान्वित होंगे, वहीं 14,000 छात्राओं को लाभ। यह छात्रवृत्ति सभी वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाएगी, इनमें विज्ञान, कला और वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी शामिल होते हैं। छात्रवृत्ति अक्टूबर में मिलनी शुरू होगी, यहाँ पे देख सकते हैं, बता भी दिया गया है अक्टूबर महीने से आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। 14,203 छात्राएँ भी शामिल हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक से स्नातक करने वाले छात्रों को केवल स्नातक तक ही यह छात्रवृत्ति दी जाती है, यहाँ पे बताया गया। पहली बार इस छात्रवृत्ति में स्कूल के विद्यार्थी शामिल हुए हैं। स्कूल के 45 विद्यार्थी इसमें शामिल है। इस बार इंटर में छात्रों को अच्छे अंक मिले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, दिया गया है। हमारे कॉलेज में गुणवत्ता पर अधिक जोर दिया जाता है, इंटर की पढ़ाई पर अलग से फोकस होता है, नियमित कक्षाएं होती हैं, इस कारण इस बार का इंटर का रिजल्ट बेहतर हुआ और यह कारण है कि इस छात्रवृत्ति योजना में छात्र इतनी संख्या में आ पाए हैं। तो फ्रेंड्स, अक्टूबर से आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो ये अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि सबको मालूम चल पाए। और जो लोग इस पहले वाले वीडियो को नहीं देखे, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं किस तरह से अपना लिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पे नाम आप लोगों का, आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम और परसेंटेज के साथ वहाँ पे सब कुछ शो करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।